गोलगतनी समाचार बटू ए नैनी जोर से रिपोर्टर बानी जितेंद्र तिवारी जी। खबर के हेडलाइन सुनी, पूर्व मुखिया के लड़का शराब के कारोबार में भेजल गई जेल। जी हाँ, शराब के प्रति लगातार पुलिस चौकन्ना बिया, चाहे आम हो चाहे खास, सब जना के रेलाई जारी बा। आ दारू मिलल तो ललकी कोठरी में ठेलाई जारी बटू। जी हाँ, खबर का बा एकरा के विस्तार से बतावल जाए, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो अभी बेल आइकन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, खबर के शेयर जरूर करी। खबर विस्तार से जानी, नैनी जोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहार घाट पीपा पुल से अंग्रेजी विदेशी शराब के कारोबारी या कथित समाज सेवी सह पूर्व मुखिया पुत्र के साथ एगो अन्य लोग के गिरफ्तार करके जेल भेज दिहल गई बा। बतावत चली कि नैनी जोर थाना के सहायक अवर निरीक्षक रविरंजन कुमार पुलिस बल के साथ दुपहरिया में क्षेत्र में गश्ती करत रहन। बिहार घाट स्थित पीपा पुल पहुँचल आ वाहन जाँच करे लगलन। तबे बाइक पर सवार होके दूगो युवक पीपा पुल पहुँचल, जहाँ पुलिस के वाहन जाँच पड़ताल कर देख अपन मोटरसाइकिल के मोड़ के भागे लगलन। लेकिन जांच कर रहल पुलिस चौकन्ना के साथ फूर्ती दिखावत भाग रहल मोटरसाइकिल सवार पे शक करत खदेरी के पीछा कैल। कुछ तो दूर लखेदा लखेदी भइल आ लेकिन ये लोग दबोचा गए। लोग मौका पे ही बाइक आ दोनों सवार लोग के जांच पड़ताल कैल गए, तो बाइक के डिक्की में रखल अंग्रेजी विदेशी शराब पुलिस बरामद कर लेलस। मौका से दोनों शराब कारोबारी के साथ शराब और बाइक के जब्त करके थाना ले आवल गई, जहाँ नैनी जोर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पाठक पुष्टि करत बतैनी कि दोपहरिया के गश्ती के दौरान बिहार घाट स्थित पीपा पुल पे वाहन जांच के क्रम में पुलिस डिक्की में रखल गई अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद कैलस। मौका से शराब के साथ पकड़ल गई दूगो युवक आ एगो बाइक के थाना ले आवल गई। पूछताछ में पकड़ल गई शराब कारोबारी आपर नाम मुरली राम उर्फ ठाकुर राम, पिता श्री राम, साकिन बड़की नैनी जोर बदलैया थाना नैनी जोर जिला बक्सर, आ दूसरका जाना के नाम ओम प्रकाश राम, पिता अनिल राम, गांव बौलीपुर थाना जगदीशपुर जिला भोजपुर के निवासी बतैल। पूछताछ में मुरली राम उर्फ ठाकुर राम पुलिस के कथित रूप से समाज सेवी सह पूर्व मुखिया पुत्र बतावत कहलन कि हम शराब लेके अक्सर यूपी के हल्दी थाना क्षेत्र से आवत जात रही है। लेकिन आखिरकार ये बड़ा सवाल बटुए कि कहत रहे कि आवत जात रही ला। बता दी ही कि भोजपुरिया समाचार आँखी खोल दिले रहे जब एगो स्टिंग देखलस कि जहाँ पीपा पुल पे लोग खुलेआम कहत रहन कि पीपा पुल के माध्यम से दारू आ बालू के धुआंधार तस्करी कैल जाला, जेकरा बाद मौका पे SDM साहब से लेके DM साहब तक पहुँचल रही। अंत में पुलिस के सामने ये चुनौती रहे कि पीपा पुल पर कसहूँ तस्करी रोकल जाओ, आ शराब खातिर तो पुलिस सूंघ चलती है। यही सूंघे के दौरान शक के आधार पर दोनों जना के पुलिस रेल दिले बिया। इनका लोग के ठोकाई इतना भइल बा कि चलहू में लोग के दिक्कत महसूस होता। रौरा ध्यान से वीडियो देखी, देखला के बाद रौरा ऐसा लागे कि पुलिस ही लोग के बढ़िया से कदर भाव कैले बिया। कदर भाव माने रौरा बुझाते हुए दारू आ पियकड़ आ शराब आ तस्कर एकरा प्रति पुलिस के जीव चल जाता है। जवना थाना क्षेत्र में मौत हो जाई जहरीला शराब से हो जाके थानेदार चौकीदार सस्पेंड हो जाइए, तो जब पुलिस पर आफत बा तो तस्कर लोग के तो आफत होबे करी। देखी इनकर सिकाई दम भर भइल बा, चले में गोड़ लड़खड़ा रहल बा। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पर निगाह बनैले बा आ मजबूती के साथ खबर देखैले बटुए। रउरा सब दर्शक लोग के बता दियाओ कि पीपा पुल के कहानी जितेंद्र तिवारी के जुबानी देखावल गए रहे, जेकरा बाद पुलिस अब एक्शन में भी है। लगातार पीपा पुल से कुछ दिन पहले 3 लाख के शराब स्कॉर्पियो बरामद भइल, एकरा बाद लड़की के ब्याह तय करके आया रहल लोग के दारू के साथे पुलिस ठेल दिहलस। अब ई पूर्व मुखिया के लड़का ठेला गेल बने,
एक एक खबर पर निगाह बा। चैनल सब्सक्राइब करी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।